उपाधि और साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और हरियाणा की महिलाओं की तरफ से ये ओबीआर और दूसरे जो इनिशिएटिव्स हैं, उन्होंने जो रिक्लेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो प्रोग्राम रखा एंड लोकसभा चुनाव से पहले, इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा। और खास तौर पर जो लोग बीजेपी के रजीम में मतलब वहां पे रह रहे हैं और वहां हमारे संवैधानिक अधिकारों पर, मूल्य मान्यताओं पर, और हमारे जो इवन जो संवैधानिक संशोधन जो हुए हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उन पर जो हमले हो रहे लगातार, हमें इस तरह के एक्सचेंज की बहुत ज्यादा जरूरत लग रही थी। तो ये बहुत ही टाइमली, बहुत अच्छा मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया साथियों के द्वारा यहाँ पे। और इसमें बातचीत रखते हुए मैं खास तौर पे हरियाणा में, क्योंकि पहली बार मतलब बीजेपी जो है वो जो संविधान के ऊपर हमलों के लिए अपना बिल्कुल वो अभियान क्या मतलब एग्रेसिव एक वो छेड़े हुए है, उसकी सरकार वहां पे आई है, तो वो जो अनुभव है पिछले चार साल का, उसके कुछ बिंदुओं पे मैं मुख्य रूप से फोकस रखूंगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पहले चल रहा था वो सब कुछ संवैधानिक उसमें चल रहा था उसके मतलब क्रिटिकल नहीं है, वो भी उसमें मतलब शामिल होगा, लेकिन मुख्यतः जो है ये अनुभव जो है ये सामने लाना, आपस में इसको समझना वो बहुत जरूरी है साथियों। और इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जब राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे चुनाव हुए पिछले लोकसभा के, उसके एकदम बाद हरियाणा के चुनाव थे, और उस चुनाव के का जो अभियान था जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे, उसी चुनाव अभियान के दौरान वहां पे जो भी मतलब संवैधानिक जो हमारे अधिकार है उनके ऊपर हमले, और जो संवैधानिक अधिकारों पर हमले करने वाले जो है उनकी पीठ पर हाथ, मतलब ये काम शुरू हो गया था। और उसका मतलब एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं, तो सबसे पहली जो चुनावी सभा हुई वहां पे प्रधानमंत्री की, उसमें उन्होंने अपना जो ओपनिंग सेंटेंस था वो यहाँ से शुरू की थी कि मैं खापों की भूमि हरियाणा को नमन करता हूँ। वो खाप जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एक्सरसाइज करने के लिए और संवैधानिक अधिकारों पर हमले करने के लिए जो अपनी मतलब पहचान रखती है, उन ताकतों की धरती नजर आती है उनको हरियाणा, उनको मजदूरों की, किसानों की, मतलब महिलाओं की जो अपने खून पसीने से सींचते हैं उनकी धरती नजर नहीं आती है। तो ये इस तरह का उन्होंने चुनाव अभियान से ही एक तरह से संवैधानिक अधिकारों और मूल्य मान्यताओं पे जो हमले हैं वो शुरू किए। और वहां पे जो सरकार आई बीजेपी की, वो पूरा जो कॉर्पोरेट मीडिया पर राष्ट्रीय स्तर पे एक तरह का जो वो था उनके हक में पूरा प्रतिक्रियावादी ताकतों का एक गठजोड़ जो सक्रिय हुआ, उसके जोश में वहां पे बीजेपी की सरकार जो है वो आई थी। और फिर उसके बाद जब उनको अपने पैर वहां पे जमाने थे, तो वहां ये जो मतलब मुस्लिम जो है या माइनॉरिटी जो है वो उतनी नहीं है हरियाणा में कि उनके प्रति नफरत या डिवीजन पैदा करके अपने पैर जमा सके हो, तो उन्होंने जाति को पूरे हथियार की तरह से मतलब ऑपरेट किया। और पूरे हरियाणा के अंदर आपको पता है कि 15 दिन कर्फ्यू रखा, कि जाट आरक्षण के नाम पे जिस तरह की तबाही वहां पे की गई, 36 बिरादरी में ये कहा गया, 35 बिरादरी एक तरफ और एक बिरादरी एक तरफ, ये जो डिवीजन है ये पूरा खड़ा किया गया वहां पे जो है, और उसमें तमाम तरह का नुकसान जो है हरियाणा की जनता ने झेला। और अभी जो साथी गीत गा रहे थे कि दिलों में लकीर खींचने का जो काम है वो उन्होंने उसके माध्यम से किया वहां पे, वो लकीर इतनी गहरी है साथियों कि हर मतलब जो घटना है वो उसी लकीर के माध्यम से उसको देखा और आंका जाता है, ये उन्होंने किया। उसके बाद ये जो मानवाधिकार के ऊपर हमले और वो पूरा डट के वो काम जो है उसको अंजाम दिया गया। और हम आपको ये बताए कि जो हमारे जीते हुए संघर्ष थे, जिन बाजियों को, जिन चौकियों को हम जीत चुके थे,
उन्हीं को जो है उन्होंने सबसे पहले निशाना बनाना शुरू किया और जो अभी उमादी भी रख रही थी कि जो कस्टोडियल जो किलिंग है उनके ऊपर हम महिला आंदोलन वहां पे तमाम तरह के जातिवादी और उन हमलों को मतलब झेलते हुए एक आगे की आगे का कदम बढ़ा रहे थे तो वहां जो ताकते इसका विरोध करने वाली थी उनको जिस तरह की हवा दी गई तो हालत ये हुई कि आप ये देखिए कि पिछले अक्टूबर में ऐसी स्थिति मतलब बन जाती है जब ये ताकते जहां पे खेलती है खुल के पिछले अक्टूबर में एक लड़की जिसने जाट बिरादरी से थी वो अपर कास्ट से थी और वाल्मीकि लड़के से शादी की उसकी रोहतक के अंदर दिन के 11 बजे जो है वो शरेआम हत्या की गई और हत्या के बाद मतलब वहां की जो पंचायत थी उसने ये फतवा दे दिया कि इसका क्रीमेशन हमारे गांव में करने नहीं दें और लड़की का मतलब उसको कौन कहां पे दफनाया जाए ये सवाल हमारे सामने खड़ा था और हम बड़े पेशो पेश में रहे पूरा दिन हमने महिला आयोग का बिल्कुल वहां पे वो जो घर था वहां पे एक धरने की जगह बना दी कि आप इसमें आए क्रीमेट करने के लिए और हम आपके साथ खड़े हो स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता इस तरह से और एक बिल्कुल ऐसे लावारिस बना के जिस नौजवान युवती को जिसने इतना मतलब अरमानों के साथ अपने जीवन को जीने की तैयारी करी थी बिल्कुल निर्दोष युवती को सब तमाशा देख रहे उस तरह से वहां पे और फिर हमने और मतलब महिला आयोग ने वहां पे क्रीमेशन किया और उसका भी पूरा गीत बना कि ये वो है जो हमारी नाक कटवाती है उनको ये जो सम्मानित करती है ये वो है मतलब इस तरह का वातावरण जो है वो वहां पे बना हुआ है दूसरी तरफ और ये जो है राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक हर क्षेत्र के अंदर ये हमले जारी है एक तरह से जितनी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिनके अंदर विमेन सेल हमने क्रिएट करवाई मैं विमेन स्टडीज की डायरेक्टर रही हूँ लेकिन हम है कि पिछले 4 साल में किसी भी शिक्षण संस्था के अंदर कोई भी जो प्रगतिशील विचार रखने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रिसोर्स पर्सन की तरह से घुसने मतलब बुलाने नहीं दिया गया मुख्यमंत्री ने वाइस चांसलर्स की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के ब्लैक लिस्ट जारी कर दी कि ये लोग जो है इनको नहीं बुलाया जाएगा फंक्शंस के अंदर और जिन्होंने हमें बुलाया फिर भी एक यूनिवर्सिटी ने क्योंकि वो हमारे वहां की थी तो रात को फोन गया मुख्यमंत्री ऑफिस से कि ये विथड्रॉ करो और ये यूनिवर्सिटी में आने नहीं चाहिए मतलब इस तरह और केवल ये नहीं है कि प्रगतिशील विचारों के इंडिविजुअल्स को वहां नहीं आने दिया जा रहा उनकी जगह पे जिनको बुलाया जा रहा है और जो वैचारिक हमला एक तरह से ये जो दिलों के अंदर जो लकीर खींची गई है उनको स्ट्रेंथन करने वाले मतलब इतने नीचे स्तर के मतलब मानवता विरोधी है वो विचार जो वहां पे सभ्यता हमारी इंसानी सभ्यता ने अपने सामूहिक संघर्षों से जो निखार हासिल किया था एक तरह से मानवीय निखार जो है उसके बिल्कुल विरुद्ध उन मूल्य मान्यताओं के वहां पे विचारों का पूरा प्रचार प्रसार के केंद्र जो है इन शिक्षण संस्थाओं को बनाया हुआ है एक तरह से और उसके मतलब अभी 4 साल से जब एक प्रक्रिया चल रही है तो आपको उसकी झलक भी इंसानों के चेहरों में नजर आने लग जाती है और वो नजर आती है बहुत विजिबल है वो उस तरह का उसका जो असर है इसके साथ साथ साथियों ये जो महिलाओं के जो आर्थिक पूरा जिस तरह का उन रोजी रोटी के ऊपर जो हमले हैं अभी है, छोटा सा उसका एग्जांपल हरियाणा में मतलब डी क्लास जो वो है उसकी अपॉइंटमेंट हुई है और उसके अंदर मतलब डी क्लास की नौकरी के लिए एमए बीए लड़के लड़कियां बैंक था और लड़कियां काफी मतलब उसके अंदर आई हैं अभी 4 साल से कोई भर्तियां नहीं है एमए बीए उनके लिए अब चुनाव से पहले कर रहे हैं और चुनाव से पहले कर रहे हैं उसमें वो जो लड़कियां एमए बीए की हुई जो है जिनको डी क्लास में भर्ती किया गया उनको कह रहे जाके बंदर पकड़ो वहां पे दफ्तरों के अंदर मतलब वो लड़कियां तो है वो मतलब वैसे ही बंदर तो लड़कियों का आवी रहते बंदर और ये सारी जाति और सबसे कम जो पे आवी रहती है मतलब आलम ये है कि इस तरह के मतलब हालात है वहां पे
काफी केसेस हमारे सामने आ रहे हैं कि जहाँ पे वो आत्महत्या का और नौजवान लड़के लड़कियां पूरा भरा पूरा परिवारों की पढ़ाई बीच में छूट रही है, उनका पूरा भविष्य जो होता है वो दाव पे लग रहा उस तरह से। और जहां तक ये जो माइनॉरिटीज का जो सवाल है साथियों, इतना ज्यादा मतलब वो दबाव में है। अभी एक मैं जो बात बताऊं कि जो गाय के नाम पे और इस तरह से बनाया गया है, भैंस लेके दो तीन लड़के जो है वो यूपी के शामली से वो जा रहे थे हरियाणा से हमारे रोहतक के पास की 15-20 दिन की घटना है, अभी उसके ऊपर चल ही रहा है वहां पे जो वो भैंस लेके जा रहे थे तब भी उसको पकड़ लिया गया फोर व्हीलर को और पकड़ के उनको बिल्कुल पीट पीट के अध मरा कर दिया नौजवान दो लड़कों को जो इतने मतलब शानदार वो लड़के नौजवान और उनको इतना पीटा गया कि ये गाय की तस्करी करे और वो कह रहे हैं उनके पास सारे कागज हैं सब कुछ है, कह रहे कि भैंस है इसमें देखो मतलब गाय है भी नहीं लेकिन देखते भी नहीं, गो रक्षक के नाम पे जिनको पूरा वो धंधा एक दे दिया गया है वहां पे वो लोगों के मतलब इतने हौसले बुलंद है वहां पे। और फिर मतलब उनका जो मालिक था उसने फोन कर करके कि इसमें भैंस है सारे कागज है और आप ये चल क्या रहा है वहां पे, कोई आदमी उनके ऊपर गिर गया कि इनकी जान लेने से पहले मेरी जान लोगे, तब उनकी जान बख्शी गई और उनको थाने में लाके आप ये देखो कि स्टेट की जो मशीनरी है उसका मतलब पोल्यूटेड किस तरह से हो चुकी है कि थाने के अंदर लाके उस उन लड़कों को मतलब रात भर इतने दर्द के साथ थानेदार के मतलब जो चारपाई जो है उनको उसके साथ बांध के रखा गया पूरी रात जो, और वो जो पीटने वाले हैं जो अपराध करने वाले हैं वो जब वहां पे थाने में हमारे साथ ही हम लोग गए तो वो मतलब पूरा सुशोभित थे कुर्सियों के ऊपर। और जब हम ये कह रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, मुकदमा तो दर्ज हमने करवाया अनचैलेंज्ड, हम किसी भी चीज को नहीं जाने दे रहे हैं, ये तो है कि अब जो भी जिस तरह के ये हमले किए जा रहे हैं उस उनके ऊपर चैलेंज है पूरा मतलब हमारी तरफ से सब लोग जो भी प्रगतिशील मूल्य मान्यताओं विश्वास करने वाले हैं। लेकिन दिक्कत एक आ रही है साथियों कि जो अपोजिशन पार्टीज जो है जब तक वो इन मुद्दों के ऊपर बहुत वोकल होके खड़ी नहीं होती है एक ताकत की तरह से, हमारी ताकत जो सामाजिक आंदोलनों से निकली हुई छोटी मोटी राजनीतिक वो है, हमारी ताकत उतनी नहीं बन पाती कि पार्टी को पलट दे। अब ये देखो कितना बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन उस लड़के को रात भर खाने के अंदर बांध के रखना इस तरह से किसी को और इस तरह अधमरा कर देना पीट पीट के और मुकदमा फिर भी मतलब उन्हीं के खिलाफ ये जो सारा। लेकिन ये जो इसके ऊपर हमें ज्यादा दबाव बनाने की जरूरत है, ये जो मतलब विरोध पक्ष की जो राजनीतिक पार्टियां हैं कि वो अपनी भूमिका जो है जो बनती है ऐसे मौकों के ऊपर उसको अदा करें, हम उनको अप्रोच करते हैं जाते हैं बोलो आप बोलो हम बोल रहे हैं आप साथ आओ हम खड़े हैं हम करेंगे तो बात बढ़ेगी, पर मतलब थोड़ा वो कन्नी सिखा जाते हैं ऐसे मौकों के ऊपर और जिसकी वजह से आश्वस्त नहीं कर पा रहे उन तबकों को कि भाई वो मतलब आगे आएंगे। और इसके साथ साथ एक तीसरी चीज जो है साथियों वो ये भी है एक हकीकत जो नीचे देखने को मिलती है कि जिस संविधान और जिन संवैधानिक मूल्य मान्यताओं को बचाने की हम अपील करते हैं मतलब दलील देते हैं बहुत बड़ा तबका है कि जिसको संविधान के फल नहीं मिले हैं यहाँ पे और जिनको उसके फल नहीं मिले हैं उनके हक में वो लड़ाई भी जो है वो उतनी ही तेज रखने की जरूरत है। काउंटर स्ट्रेटजी जब हम करेंगे तो उनको वो हक मिले। हमारे यहाँ पे दलित है आदिवासी है महिलाएं हैं गरीब से गरीब लोग जो है अभी तक उनको मानवीय गरिमा जो संविधान में विजुलाइज्ड है वो उनके आसपास भी आई नहीं है एक तरह से तो वो भी साथ में करना पड़ेगा हमें वो संघर्ष भी। और सबसे पहले ये जो हमले हैं इनमें जो विक्टिम्स हैं उनके साथ खड़े होना उनकी जान बचाना उनकी मानवीय गरिमा को बचाना ये करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें जो है तमाम तरह से जो भी मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां हैं
उनके ऊपर भी जल दबाव जो है वो हर तरीके से बनाना पड़ेगा कि वो बोले आगे आए इस तरह के वायलेशंस के खिलाफ, और वरना मतलब चीजें जो है वो काफी उल्टी दिशा में जा रही है। उदाहरण के तौर पे 73rd अमेंडमेंट फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस और पंचायतों के स्तर पे क्या किया हमारे यहाँ पे सरकार ने, आते ही उसके ऊपर ये शर्तें लगाई कि पढ़ाई की शर्त होगी जो भी पंचायत का चुनाव कंटेस्ट करना चाहेगी, और उनसे मतलब पढ़ाई की शर्त लगाते ही दलित महिलाएं जो है 83% एक्सक्लूजन हुआ वहां पे, और जो मतलब दूसरी जो महिलाएं 77% का एक्सक्लूजन हुआ। तो उसमें जो है वो हमने पूरी उसकी लड़ाई लड़ी, अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट भी वहां पे जो है वो सही पोजीशन नहीं रही, हालांकि अभी रिव्यू पिटीशन जो है राजस्थान से हट गया। ये मैं कहलाता है कि राजस्थान के साथियों को बधाई हो कि वहां पे जो कांग्रेस की जो सरकार आई उन्होंने उसको वापस लिया है, ये एक अच्छी बात है। इसी तरह से केवल सत्ता में आने के बाद मतलब कदम उठाने से पहले नागरिकों के जान पे बना रही है, जहाँ पे वहां पे भी कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा सभी ताकतों को, तब हम इन हमलों का मुकाबला कर पाएंगे। धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू।